गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 25 देखेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर की टोटल ऑफ क्लासेस कंडक्ट किए हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर की। टोटल ऑफ क्लासेस कंडक्ट की है 24 क्लासेस कंडक्ट हो चुकी हैं। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो, वीडियो नंबर 25, बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और चैप्टर आपका 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। टॉपिक है आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन। हमने प्रीवियस वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड आपको बताया था, उसको एक्सप्लेन किया था, उसके फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे, उसको क्या बोलते हैं वो एक्सप्लेन किया था, अदर नेम एक्सप्लेन किया था, क्लियर। और अभी तक हमारा नेशनल इनकम के एक यूनिट के 4 चैप्टर थे, उसमें से आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहले आप सभी प्रीवियस वीडियो देखें जिससे आपको 4 चैप्टर समझने में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्लियर। आज हम देखते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन में इससे पढ़ा रहा हूं कि वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने में बेचा है और इंटरमीडिएट कंजप्शन कितने में खरीदा है, दोनों को माइनस करकर वैल्यू एड मतलब वैल्यू एडेड निकल जाती है, कितनी वैल्यू एडेड की। मैंने विद एग्जांपल आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप सभी पहले प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 25 को सीख लें, क्लियर। और आपसे रिक्वेस्ट है आप सब नोट साथ साथ बनाइए, पहले वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें और उसके बाद नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सेम टाइम पे ही होंगे, इसलिए आप अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कीजिए और रेगुलर अपनी स्टडी को टाइम दीजिए, ओके। अब देखिए बेटा इंटरमीडिएट कंजप्शन डेफिनेशन देख लीजिए। इंटरमीडिएट कंजप्शन रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय ए प्रोडक्शन यूनिट ऑन परचेजिंग गोड्स गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने अभी आपको बताया था कि हमने जो कॉम्युनिटी गुड्स एंड सर्विसेज कितने में खरीदा, कितना एक्सपेंडिचर किया उसको परचेज करने में, कितना एक्सपेंडिचर किया गुड्स एंड सर्विसेज को, वही क्या होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन। प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस चैप्टर्स में इंटरमीडिएट कंजप्शन को मैंने कुछ अलग बताया था, आपको बता रहा हूँ वो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग बताया था और ये उस टॉपिक के अकॉर्डिंग है जो आज एट दिस टाइम आपको करा रहा है, क्लियर। अब देखिए बेटा कैलकुलेट द इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन की डेफिनेशन तो आपको पता लग गया होगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन रेफर टू द एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय द प्रोडक्शन यूनिट। हम प्रोडक्शन यूनिट करते समय कितना का एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, और उसको हम परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को कितना परचेज करते हैं, ये सारा कुछ इंक्रीमेंट कंजप्शन के अंदर आता है, क्लियर। और परचेज रॉ मटेरियल में हम यदि हमारे पास इंक्रीमेंट कंजप्शन क्वेश्चन में दे रखा है और इंपोर्ट दे रखा है, ध्यान रखिए जब हमारे क्वेश्चन में इंपोर्ट और इंक्रीमेंट कंजप्शन दे रखा है तो इंक्रीमेंट कंजप्शन की जो वैल्यू है वही रहेगी एट दिस टाइम। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट इसमें ऐड होता है, वो अभी बताएंगे कैसे होता है। और हमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यदि दे दें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल खरीदा, तो हमारी इंक्रीमेंट कंजप्शन निकालने के लिए इंपोर्ट को ऐड किया जाता है, क्लियर। कैसे करेंगे वो अभी मैं बता रहा हूं। तो देखिए बेटा कैलकुलेट द इंटरमीडिएट कंजप्शन। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इंटरमीडिएट कंजप्शन कैलकुलेट कीजिए, हमें क्या दे रखा है इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंपोर्ट। इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना दे रखा है 1200 और इंपोर्ट क्या दे रखा है 300। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था जब इंटरमीडिएट कंजप्शन पूछ रहा है और इंपोर्ट दे रखा है तो हम इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट ऑलरेडी इंपोर्ट जो होता है ऑलरेडी इंक्लूड होता है
इंपोर्ट इंक्लूड होता है किसमें? इंटरनेट कंजप्शन ऑलरेडी इंक्लूड है। देखिए मैं यही लिख देता हूँ, ये इंक्लूड है, ऑलरेडी इंक्लूड होता है इंटरनेट कंजप्शन में, तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। क्लियर? ऑलरेडी इंक्लूड होता है इंपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूड
ये थ्री फेज है, मैं आपको बता देता हूँ थ्री केस से अलग अलग तरीके से इंटरमीडिएट कंजप्शन को निकालने के लिए अलग तरीके बने, इसलिए बताएं कि आपको वैल्यू एडेड मेथड में निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वैल्यू एडेड जब निकालोगे तो आपको दे रखा होगा इंटरमीडिएट कंजप्शन के साथ साथ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ डोमेस्टिक फर्म रॉ मटेरियल, इस तरीके से दे रखा होता है, इम्पोर्ट दे रखा होगा। तो आप पहचानेंगे कैसे, इसको पहचानने के लिए ही मैंने आपको तीन केस बताए हैं जिससे आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आप देखिए बेटा टॉपिक है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। टॉपिक क्या है आपका? वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया एक वैल्यू आउटपुट है, क्योंकि वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। हमने इंटरमीडिएट कंजप्शन देख लिया, अब देखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, हमने कितने में बेचा, ये क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट है हमने कितने में बेचा। तो देखिए बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर टू द मार्केट वैल्यू। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? मार्केट वैल्यू। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन ईयर। वैल्यू ऑफ आउटपुट में मार्केट में कितने में बेचा, मार्केट वैल्यू क्या है उसकी, मार्केट वैल्यू कितनी होगी। जैसे हमने मैंने एग्जांपल दिया था आटे का, आटे से ब्रेड बना, ब्रेड मार्केट में गई तो ब्रेड की वैल्यू क्या है, एट दिस टाइम ब्रेड की वैल्यू क्या होगी, वो ही है वैल्यू आउटपुट, कितने में बेचा जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप सेल भी बोल सकते हैं, सेल के इक्वल ही होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर? वैल्यू ऑफ आउटपुट कई तरीके से निकाला जा सकता है, हमने आपकी बुक के अकॉर्डिंग है टू टाइप्स के हैं अभी बताएंगे आपको। फर्स्ट तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो फॉर्मूला है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। आपको बताया चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? मैं फिर आपको एक रिवाइज देता हूं, अगेन रिपीट कर देता हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर टू द मार्केट वैल्यू। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? मार्केट वैल्यू में गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस होगी बनेगी वो कितने में बेची जाएगी, कितने में बेची जाएगी, यही होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर? तो देखिए बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ वन ईयर। एक साल के अंदर गुड्स एंड प्रोड्यूसर एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विस जो मार्केट में बेचेगा उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, वो ही होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। कितने में माल रॉ मटेरियल से बनकर तैयार होगा, कितनी वैल्यू उसमें ऐड होगी, वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर? वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम सेल भी बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल। क्लियर? यहां तक बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम सेल भी बोल सकते हैं प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट? अभी हमने देखा, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा वैल्यू ऑफ एडेड, वैल्यू एडेड मेथड देखा, उसके फॉर्मूले में जो सेटअप था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या था हमने देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके थ्री फेज देखे कि किस तरीके से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन आ सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने कितने में माल बेचा था, उसकी डेफिनेशन भी देखी, उसके फॉर्मूले भी देखे, और अभी हम देखेंगे क्या ये किस तरीके से निकलेगा, इसके फॉर्मूले भी देखेंगे, और एक और फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
बेटा आगे देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, लेकिन इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्वांटिटी इनटू प्राइस और प्लस चेंज इन स्टॉक, मैंने आपको अभी भी लेक्चर में से बता रहा हूं, तो आपको ये फॉर्मूला भी सेटअप हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि फॉर्मूले को किस तरीके से सेट करना है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला और बताया इससे पहले, तो दोनों फॉर्मूले से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल सकता है। लेकिन हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालेंगे क्यों? क्योंकि हम वैल्यू एडिंग मेथड में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन को वैल्यू ऑफ आउटपुट हम क्यों निकालेंगे वैल्यू एडिंग मेथड में? वैल्यू एडिंग मेथड में हम क्यों निकालेंगे कि इंटरमीडिएट कंजप्शन हमने अभी बताया, और कौन सा बताया हमने? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट का निकालना भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट भी पूछेगा और इंटरमीडिएट कंजप्शन भी पूछ सकता है वैल्यू एडेड मेथड के लिए। लेकिन वैल्यू एडेड मेथड निकालने के लिए हमें दोनों टर्म्स का यूज आना जरूरी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी और इंटरमीडिएट कंजप्शन का। क्लियर बेटा? तो देखिए विद एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, इफ ए फर्म मैन्युफैक्चरर्स 1000 पेयर ऑफ शूज एनुअली एंड सेल दैट ₹500 पर पेयर। एक फर्म है मैन्युफैक्चर किया शूज को, कितने शूज करे 1000 पेयर्स, 1000 जोड़ी बनाए, पेयर्स का मतलब जोड़ी होती है, 1000 पेयर्स बनाए शूज ने मैन्युफैक्चर किया, शूज वाली कंपनी ने शूज बनाए एक साल के अंदर, कितने बनाए 1000। क्लियर? लेकिन सेल दैट किया एक पेयर्स, कितने में 500 में, एक पेयर्स कितने में किया 500 में किया। क्लियर? अब देखिए बेटा हम 500 में जब करेंगे, यदि हम एक में करेंगे तो 500 में हम करेंगे, तो अब सीधा है फॉर्मूला क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट का, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल क्वांटिटी कितनी है, पहले फॉर्मूला सेट करोगे क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्लियर? अब देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी कितनी है 1000 पेयर। क्लियर? इनटू प्राइस, वन प्राइस 500, तो कितना हो गया 5 लाख। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया 5 लाख। क्लियर? यहां तक बेटा क्लियर है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का दूसरा फॉर्मूला है जो मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया, यहां तक आपको आ गया होगा? एनी डाउट? क्योंकि हमने क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी हमें दे रखी है, प्राइस हमें दे रखा है 1 पेयर्स का, और टोटल ऑफ वैल्यू निकालने के लिए हमने कुल टोटल कितना बेचा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस किया और आपका आंसर आ गया। यहां तक का स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक बार आप। बेटा देखिए कैलकुलेट ऑफ दी वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैंने आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के टू फॉर्मूले बताए हैं, अब अपने अकॉर्डिंग आपको खुद को देखना है कि हम कौन सा फॉर्मूला कहां पे सेट अप करें। जब क्वांटिटी एंड प्राइस दे रखा है तो ये आपको वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया, और उससे वाला फॉर्मूला भी मैंने बताया आपको, बताया ना, तो दोनों फॉर्मूले को आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला सेट करना है। क्लियर? अब देखिए कैलकुलेट ऑफ दी वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब सेल दे रखा है और एक्सपोर्ट दे रखा है, अब हमने अभी पढ़ा था इंटरमीडिएट कंजप्शंस, उसमें भी हमने कुछ केस बताए थे आपको, जैसे आपको टॉपिक क्लियर होने के लिए क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए बताया जा रहा है। तो देखिए सेल, अब हमें क्वेश्चन में यदि सेल और एक्सपोर्ट आ जाए
और हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो क्या करेंगे? क्योंकि एक्सपोर्ट को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक्सपोर्ट सेल के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होता है, एक्सपोर्ट सेल के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होता है। देखिए मैं लिख देता हूं, यहां पे आपको भी लिखना है। एक्सपोर्ट क्या होता है? ऑलरेडी इंक्लूड होता है। ऑलरेडी इंक्लूड होता है। एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूड, ठीक है, सेल के अंदर। तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए तो सीधा ही सेल का जो सेल है वो ही आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है। मैंने अभी आपको बताया था कि वैल्यू आउटपुट इक्वल टू सेल, जो आपका सेल है वो ही आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है। तो आपका सेल कितना है? 2000। वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट अभी मैंने बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल, तो यही आपका आंसर है। क्योंकि हमसे वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछ रहा है और अभी मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट जितना है उतना ही आपका सेल है। हमको इसके कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल, तो सेल कितना है? 2000, और यही आपका आंसर है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ? 2000। वैसे आपको एक बात ध्यान रखिए, एक्सपोर्ट इंक्लूड होता है सेल के अंदर। क्लियर? आप देखिए बेटा नेक्स्ट केस, इसमें क्या है? डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट ले रखा है। मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल सेल के अंदर, टोटल सेल के अंदर ही एक्सपोर्ट इंक्लूड होता है, ना कि डोमेस्टिक सेल के अंदर। डोमेस्टिक सेल के अंदर आपको एक्सपोर्ट इंक्लूड करना होगा तो आपका टोटल सेल बन जाता है, और टोटल सेल बनते ही आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल, लेकिन टोटल सेल में इंक्लूड होता है पहले से क्या? एक्सपोर्ट। लेकिन डोमेस्टिक सेल में आपको एक्सपोर्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक सेल में जब आप इंक्लूड करोगे, डोमेस्टिक सेल में इंक्लूड करते ही वो क्या बन जाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल सेल बन जाता है, और टोटल सेल ही आपका क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर हो गया? तो देखिए डोमेस्टिक सेल कितना है? 700। डोमेस्टिक सेल 700 प्लस एक्सपोर्ट। समझ में आ गया ना हमने क्यों एक्सपोर्ट किया? इसको टोटल सेल में बदलने के लिए, और टोटल सेल ही आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। क्लियर? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, तो 700 प्लस 200 इक्वल टू 900। 900 आपका क्या आ गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल 900, यही आपका आंसर है। तो आपका वैल्यू आउटपुट का टॉपिक भी क्लियर, इंटरमीडिएट का टॉपिक भी क्लियर, इंटरमीडिएट कंजप्शन का भी मैंने आपको बताया। मैंने ये जो टर्म आपको ये बताई है, ये इसलिए बताई है कि वैल्यू एडेड मेथड में आपको ये टू टर्म दोनों यूजेज आएंगे। क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो वैल्यू एडेड मेथड है उसका जो फॉर्मूला है क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। हमने इंटरमीडिएट कंजप्शन भी पढ़ लिया, उसके केस भी पढ़ लिए, किस तरीके से हम इंपोर्ट को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर? और मैंने आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी बताया, वैल्यू ऑफ आउटपुट में किस तरीके से हम एक्सपोर्ट को प्लस या माइनस करेंगे ये बताया। ये टर्म आपको वैल्यू एडेड मेथड निकालने में बहुत यूजर है, इसलिए आप इनको ध्यान से देखिए। और फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ साथ साथ नोट्स बनाइए, और कोई भी डाउट है क्लियर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम सेम टाइम पे होंगे। क्लियर बेटा? आप देखिए बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो बेटा कोई भी डाउट है इस वीडियो में, यदि कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 26 में कर सकूं। आपके लिए मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा खाली है, जितना भी आप डाउट क्लियर कीजिए, जिससे आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा हो। ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।